गुड मॉर्निंग एवरी वन हम कर रहे थे चैप्टर नंबर सेवेंटीन जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग और डिटरमाइनिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को कंपनी के स्टार्टिंग या कंपनी के इनिशियल में ही प्लान कर लिया जाता है इनिशियल कैपिटल स्ट्रक्चर वेरी वेरी केयरफुली डिज़ाइन करना चाहिए क्यों क्योंकि जो इनिशियल कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसको लॉन्ग टाइम तक कंपनी में अप्लाई किया जाता है हाउ एवर द कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन इज़ अ कॉन्टिन्यू ठीक है ये ठीक है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो कॉन्टीन्यू डिसीजन होता है जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में एडिशनल फाइनेंस की नीड होती है तो उसका इफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ता है यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होगा तो इस तरीके से कुछ वेरियस फैक्टर हैं जो एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट डालते हैं तो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते टाइम उन सभी फैक्टर्स पे भी फोकस करना होता है जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर इफेक्ट होगा अब वो देखिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे फर्स्ट है साइज ऑफ द फर्म हाँ जी एक फर्म का जो साइज़ है वो कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है अब देखिए कैसे करता है मैं पहले बात कर रही हूँ स्मॉल साइज फर्म की ठीक है स्मॉल साइज फर्म डिपेंड करेगी ऑन कैपिटल और रिटेन अर्निंग के ऊपर फॉर देयर लॉन्ग टर्म फंड एक स्मॉल साइज की जो फर्म है वो अपने लॉन्ग टर्म फंड यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट के लिए ओन कैपिटल और रिटेन अर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है तो वो दो ही सोर्सेज यूज कर रही है कौन से या तो ओन कैपिटल ओन कैपिटल में इक्विटी शेयर यूज कर सकती है प्रेफरेंस शेयर यूज कर सकती है ठीक है या फिर रिटेन अर्निंग को मतलब कि वो क्या यूज़ नहीं कर रही लॉन्ग टर्म डेट्स यूज़ नहीं कर रही क्यों यूज़ नहीं कर रही रीज़न देखिए क्योंकि जो स्मॉल साइज़ की फ़र्म होती हैं उसको लॉन्ग टर्म डेट्स से लोन रेज करने में डिफ़िकल्टीज फेस करनी होती हैं अब वो डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी होंगी वो देखिए एक तो जो स्मॉल साइज की फॉर्म होती हैं उनको वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल होता है ठीक है दूसरा अगर उनको लोन मिल भी जाता है तो जो डेप्ट होल्डर होते हैं ठीक है इसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे कंपनी ने लोन लिया है फर्म ने लोन लिया है वो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कंपनी के ऊपर जिससे जो एग्जिस्टिंग या जो प्रजेंट मैनेजमेंट है वो इजिली अपने बिजनेस को रन नहीं कर पाता अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म लोन्स आर नीदर अवेलेबल नोर प्रेफर्ड बाय स्मॉल साइज फर्म्स इसलिए जो स्मॉल साइज की फर्म होती है उसके लिए जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं ना तो वो उनको अवेलेबल कर पाती मीन्स ना तो उसे लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लोन मिल पाता ठीक है और अगर मिल भी जाता है तो वो स्मॉल साइज फर्म के लिए बेस्ट भी नहीं रहता क्योंकि वो इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे वो ढंग से अपना बिजनेस ही रन नहीं कर पाएगी हाँ जी नेक्स्ट आल्सो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर स्मॉल कंपनीज अब हम बात कर रहे हैं स्मॉल कंपनीज की बिजनेस का स्पेसिफिक टाइप बता दिया ना स्मॉल कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर पर जो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं वो कैसे इफ़ेक्ट डालेंगे तो जो स्मॉल कंपनी होती हैं वो भी कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करके रिपीट कर रही हूं दोबारा स्मॉल कंपनीज कैपिटल मार्केट में शेयर इशू करके अपनी कैपिटल रेज करने में उसे भी डिफ़िकल्टी फेस करनी होती है बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होगी अब देखो वो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है फर्स्ट रीज़न है जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनकी कैपिटल इतनी कम होती है कि स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज पे उनको रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिल पाता वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाती स्टॉक एक्सचेंज पे फर्स्ट रीज़न हो गया सेकंड रीज़न उनके जो इशू का साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल होता है जिससे कॉस्ट ऑफ इशूइंग इंक्रीज होंगी ठीक है थर्ड रीज़न थर्ड रीज़न है रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ठीक है उनका कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो सकता है क्यों क्योंकि जो स्मॉल कंपनी के शेयर्स होते हैं वो वाइडली सेकर वाइडली वाइडली स्केटर्ड नहीं होते तो ऐसे में जो न्यू शेयर होल्डर्स होते हैं वो ईजली ऑर्गेनाइज होके कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं यानी कि सारे शेयर खुद परचेज कर लेंगे और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का जो कंट्रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो इसलिए जो स्मॉल साइज़ की कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल नीड को कोशिश करती हैं कि जो उनके इंटरनल सोर्सेज है ना उन्हीं से वो फुलफ़िल हो जाए हाँ जी अब लार्ज साइज फर्म के अकॉर्डिंग देखिए एक जो लार्ज साइज की फर्म होती हैं लार्ज साइज फर्म इजली लॉन्ग टर्म लोन को रेज कर सकती है फाइनेंस के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनसे इजिली लॉन्ग टर्म लोन को रेज कर सकती है जो कि फाइनेंस का सबसे चीपेस्ट सोर्स होता है ठीक है और वो भी इजी टर्म और कंडीशन पे इसके साथ साथ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स इन सभी को पब्लिक में इशू करके ईजिली अपनी रिक्वायर फाइनेंस को वो रेज कर लेगी उसका रीज़न एक तो इशू ऑफ लार्जर नंबर ऑफ शेयर भाई लार्ज साइज फर्म है तो वो नंबर ऑफ शेयर जो इशू करेगी वो काफ़ी लार्जर होंगे तो इससे उसकी जो इशूइंग कॉस्ट है वो स्मॉल साइज फर्म के कंपैरिजन में काफ़ी लो रहेगी इसलिए जो एक लार्ज कंपनी होगी वो फाइनेंस के वेरियस सोर्स के थ्रू अपनी फाइनेंस नीड को फुलफ़िल कर सकती है ठीक है और इस तरीके से वो फाइनेंस के जो वेरियस सोर्स हैं उनको यूज करके अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल बना सकती है हाँ जी नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स भी एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है अब देखिए वो कैसे इफेक्ट करता है जिस कंपनी की सेल्स और अर्निंग दो चीज़ें हैं ठीक है सेल्स और अर्निंग रेगुलर इंक्रीज हो रही है तो ऐसी फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में हाइयर डेप्ट यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेट्स हैं उनको हायर यूज कर सकती है हायर डेप्ट का मतलब हाई डिग्री ऑफ लिवरेज उसका रीजन भाई सेल्स और अर्निंग के इंक्रीज होने पर ये बोल रहा है कि वो लॉन्ग टर्म डेट्स लाइक डिबेंचर लोन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ठीक है ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकती है क्यों क्योंकि ये चीपेस्ट सोर्स है इसकी कॉस्ट सबसे कम होती है एक रीज़न तो यही हो गया क्योंकि फाइनेंस के जितने भी सोर्स हैं उनमें ये चीपेस्ट है इसकी कॉस्ट सबसे कम है तो इसको यूज करेगी तो प्रॉफिट तो इनक्रीज़ होगा ना दूसरा जो सेल्स और अर्निंग है वो रेगुलर इंक्रीज़ हो रहे हैं अब रेगुलर इंक्रीज हो रहे हैं तो फर्म को इंटरेस्ट और डेट्स की टाइम पे पेमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी ठीक है नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी की सेल्स और अर्निंग ठीक है फ्रीक्वेंटली फ्लैक्चुएट हो रही हैं तो ऐसे में उस कंपनी को डेप्ट के हायर यूज को अवॉइड करना चाहिए यानी कि वो लॉन्ग टर्म डेट को कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज नहीं करेगी अगर वो ऐसा करती है हायर डेट यूज करती है सेल्स और अर्निंग के फ्लैक् फ्लैक्चुएट होने के बाद भी तो फिर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट के टाइम पे पे करने में उसे प्रॉब्लम फेस करनी होगी यानी कि उसका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज़ होगा तो वो अवॉइड करेगी इसको नेक्स्ट डिग्री ऑफ कंपटीशन कंपटीशन डिग्री भी एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है कैसे इफेक्ट करता है वो देखिए जिस इंडस्ट्री में कीन कंपटीशन होता है ऐसी इंडस्ट्री को रिपीट कर रही हूँ जिस इंडस्ट्री में कीप कंपटीशन है यानी कि हाई कंपटीशन है ठीक है ऐसी कंपनी को डेट्स के कंपैरिजन में जो इक्विटी शेयर हैं उन्हें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए ठीक है ऑन द अदर हैंड द इंडस्ट्री विच डू हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन जबकि जो दूसरी इंडस्ट्री है जहाँ पे हाई डिग्री कंपटीशन नहीं है तो ऐसी कंपनी जो डेट्स हैं उनको ज़्यादा यूज कर सकती है नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द फर्म इफ़ आ फर्म इज़ इन इट्स इनिशियल स्टेज यदि एक फर्म अपनी इनिशियल स्टेज में है तो ऐसे में उस फर्म के फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो ऐसे में उस फर्म या कंपनी को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो इक्विटी शेयर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने चाहिए ठीक है उसे लॉन्ग टर्म लोन के यूजेस को अवॉइड करना चाहिए क्यों क्योंकि जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं उन पे जो फिक्स इंटरेस्ट होता है उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम करनी होती है बट अभी कंपनी अपनी इनिशियल स्टेज में है तो पता नहीं वो रन कर पाए या नहीं कर पाए उसका बिजनेस आगे चले या नहीं चले बट पेमेंट तो करनी होगी तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे डेट्स को एवॉइड करेगी किसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेगी इक्विटी शेयर का यूज़ करेगी तो जैसे ही वैन द फॉर्म ग्रो एंड रीच मैच्योरिटी जब फर्म ग्रो कर ले और अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच जाए तो उस टाइम वो लॉन्ग टर्म डेट्स को यूज कर सकती है नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशो ठीक है इंटरेस्ट कवरेज रेशो इस रेशो से हम ये मेजर कर सकते हैं कि एक बिजनेस का फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट और प्रॉफिट एबिलिटी इन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंटरेस्ट कवरेज रेशो के हेल्प से ये मेजर किया जा सकता है कि एक फ़र्म के फिक्स इंटरेस्ट पेमेंट का उसकी प्रॉफिट एबिलिटी के साथ क्या रेशियो है मतलब दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कंपैरिजन का बेनिफिट क्या होगा कंपैरिजन से ये पता लगाया जा सकता है कि फर्म अपने फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को ठीक है मीट करने की कैपेसिटी है या नहीं तो ये रेशियो जितना हाइयर होगा उस फर्म की अपने फिक्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को पे करने की कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और अगर लोअर होगा तो इसके रिवर्क रिवर्स कंडीशन होगी इंटरेस्ट कवरेज रेशो इक्वल होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाई में फिक्स इंटरेस्ट चार्ज फिक्स इंटरेस्ट चार्ज का मतलब इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस डिविडेंट ऑन प्रेफरेंस शेयर यानी कि जो हमारे फाइनेंस के फिक्स कॉस्ट के सोर्सेज हैं नेक्स्ट है कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ द फर्म सम टाइम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ अ फर्म इज़ क्वाइट हाई बट इट डज नॉट हैव सफिशेंट कैश टू पे इट्स फिक्स चार्ज इन टाइम ठीक है विच इंक्लूड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड कई बार क्या होता है फर्म का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ना वो तो हाई होता है और अभी हम पीछे क्या स्टडी करके आए हैं कि अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है तो इट मीन्स फर्म जो उसके फिक्स चार्जिज हैं उनको पे करने की उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी मीन्स ईजिली पे कर सकती है वो बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो हाई भी होगा लेकिन फिर भी फर्म के पास फिक्स चार्ज को टाइम पे पे करने के लिए सुफिशेंट कैश अवेलेबल नहीं होंगे फिक्स चार्ज का मतलब हम किस की बात कर रहे हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट उसका प्रिंसिपल अमाउंट और प्रेफरेंस डिविडेंट की तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा दिस में बी ड्यू टू द रीज़न रीज़न हो सकता है कि फर्म की जो इनकम है वो ब्लॉक्ड है किस में ब्लॉक्ड है लाइक हायर इन्वेंट्री डेटर्स टाइम परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स यानी कि कंपनी ने कंपनी के पास जो इन्वेंट्री है ठीक है वो काफ़ी हाइयर है डेटर्स ज़्यादा हैं यानी कि क्रेडिट सेल ज़्यादा की होगी फिक्स एसेट्स ज़्यादा परचेज कर ली तो कंपनी की जितनी भी इनकम थी वो तो यहाँ पे ब्लॉक हो गई तो सुफिशियंट कैश तो अवेलेबल नहीं होगा ना उसके पास मेन्स कैश की कमी होगी तो इसका मतलब वैन एवर अ कंपनी थिंक ऑफ रेजिंग एडिशनल डेप्ट इट मस्ट एनालाइज इट फ्यूचर कैश फ्लो टू मीट इट्स फिक्स चार्जेज तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जब भी एक फर्म एडिशनल डेट रेज के लिए सोचे तो सबसे पहले उसे ये चेक करना होगा कि क्या वो अपने फ्यूचर कैश फ्लो से अपने फिक्स चार्जस की पेमेंट कर पाएगी पहले ये एनालाइज करेगी ठीक है ये एनालाइज करने के बाद ही वो एडिशनल डेट रेज करेगी हाँ जी अगर एक कंपनी के अगर एक कंपनी के जो फ्यूचर कैश इनफ्लो है ठीक है वो लार्जर और रेगुलर होने की मतलब एक कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फ़्यूचर में जो उसकी कैश इनफ्लो है वो लार्जर भी होगी और रेगुलर भी रहेगी तो ऐसे में वो कंपनी लार्जर अमाउंट ऑफ़ डेप्ट को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में यूज कर सकती है और इसके रिवर्स कंडीशन होगी तो वो डेप्ट को यूज नहीं करेगी एवॉइड करेगी अब ये चेक करने के लिए कि एक फर्म अपने फिक्स चार्जेस को अपने फ्यूचर कैश फ्लो से ठीक है अपने फ्यूचर कैश फ्लो से टाइम पे पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये चेक करने के लिए हम रेशो कैलकुलेट करेंगे नेट कैश इनफ्लो टू फिक्स चार्ज और ये रेशो जितना ग्रेटर होगा उस फर्म की ठीक है वो फर्म उतने ही ज़्यादा डेट्स यूज कर सकती है ईजली पेमेंट कर पाएगी क्योंकि उसके पास सफिशियट कैश अवेलेबल होगा नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक फॉर्म की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उनकी जो कॉस्ट है वो भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करती है और कैसे इफ़ेक्ट करती है वो देखिए इसके लिए कैपिटल के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनका एक ऐसा प्रोपोर्शन कंबाइन करना चाहिए यानी कि ऐसा मिक्सअप प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो अब जो फाइनेंस के ये वेरियस सोर्स हैं इनमें से जो डेप्ट है वो चीपर सोर्स होता है ठीक है किसके कंपैरिजन में इक्विटी शेयर के कंपैरिजन में अब इसके चीपेस्ट होने के दो रीज़न है मेन दो रीज़न है वो देखिए हाँ जी हम फर्स्ट रीज़न की बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट वन मिनट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेप्ट इज लोअर देन द रेट ऑफ डिविडेंट एक्सपेक्टेड बाई इक्विटी शेयर होल्डर्स ठीक है फर्स्ट रीज़न क्लियर फर्स्ट रीजन में हमें क्या बता रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डेप्ट यानी कि जो लॉन्ग टर्म डेप्ट है उन पे जो इंटरेस्ट की रेट है मैं सीधा लिख रही हूँ इंटरेस्ट रेट लोअर होगी किस से डिविडेंट रेट से तो चीपेस्ट कौन सा होगा डेट्स होंगे जनरल सी बात है इक्विटी और डेट्स दोनों को अगर कंपेयर करें तो दूसरा रीज़न इंटरेस्ट ऑन डेट इज डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन डेप्ट को डिडक्ट किया जाता है फिर रिमेनिंग प्रॉफिट में से टैक्स की पेमेंट की जाती है यानी कि टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है जबकि जो डिविडेंट है वो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट में से पे किया जाता है मीन्स पहले प्रॉफिट में से टैक्स की पेमेंट की जाएगी फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट आएगा उसमें से डिविडेंट पे किया जाएगा तो ये दो रीज़न है जिनकी वजह से अगर इक्विटी और डेप्ट को कंपेयर करेंगे तो जो डेप्ट है वो फाइनेंस का चीपर सोर्स होगा तो अगर कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक फर्म इनमें से कौन सा सोर्स यूज़ करेगी डेप्ट को यूज़ करेगी हाँ जी नेक्स्ट है रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स तो टैक्स की रेट भी एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करती है अब वो देखिए कैसे इफेक्ट करती हैं आस्टेटेड अर्लियर जो हम ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल वेयर एज डिविडेंट इज़ पेड आउट ऑफ पोस्ट ऑफ टैक्स प्रॉफिट क्लियर भाई इंटरेस्ट पहले इंटरेस्ट ऑन डेट को प्रॉफिट में से डिडेक्ट किया जाता है और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है ठीक है उसमें टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है बट जो डिविडेंट है अगर मैं डिविडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो प्रॉफिट में से पहले टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी टैक्स को डिटेक्ट किया जाएगा फिर रिमेनिंग में से डिविडेंड की पेमेंट की जाएगी दूसरा हायर द रेट ऑफ टैक्स तो इसका मतलब अगर टैक्स रेट हायर है ठीक है तो डेप्ट और इक्विटी इन दोनों में से एक फर्म को कौन सा फाइनेंस का सोर्स यूज करना चाहिए तो जनरल सी बात है कौन सा सोर्स यूज करेगी डेप्ट यूज़ करेगी क्योंकि जो डेप्ट है उससे एक फर्म की जो प्रॉफिट एबिलिटी है यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो इनक्रीज़ होगी अब देखिए कैसे इंक्रीज होगी ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं हाँ जी दो अल्टरनेट ले लिए यानी कि दो प्रोजेक्ट हैं हमारे पास एक प्रोजेक्ट जिसमें प्रोजेक्ट का जो आउटले है मींस जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो टेन लैख है सेकंड में भी टेन लैख की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट में जो फाइनेंस टेन लैख की रिक्वायरमेंट है ये डिबेंचर इशू करके रेज किया है और सेकंड में जो ये टेन लैक है ये प्रेफरेंस शेयर इशू करके रेज किया है ठीक है ध्यान रखोगे तो फर्स्ट में कौन सा सोर्स यूज किया है डिबेंचर सेकंड में कौन सा सोर्स यूज किया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हाँ जी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये हमने एज्यूम कर लिया टू लैख फिफ्टी थाउजेंड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इंटरेस्ट की रेट एज्यूम करके चल रहे हैं इलेवन परसेंट ठीक है अब डिबेंचर कितने इशू किए थे टेन लैख ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोजेक्ट में टेन लैख अमाउंट इन्वेस्ट किया है और ये टेन लैख किसके थ्रू रेज किए हैं डिबेंचर के थ्रू रेज किए हैं रेट कितनी है इलेवन परसेंट तो इंटरेस्ट कितना हो गया वन लैख टेन थाउजेंड क्लियर भाई अब यहाँ पे कोई इंटरेस्ट है नहीं तो ये एज इट इज यहाँ से हमारे पास अमाउंट आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स वन लैख फोर्टी थाउजेंड और यहाँ पे टू लैख फिफ्टी थाउजेंड हाँ भाई अब टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे एज्यूम कर लेते हैं टैक्स की रेट है फोर्टी फाइव परसेंट तो वन लैख फोर्टी थाउजेंड का फोर्टी फाइव परसेंट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा सिक्सटी थ्री थाउजेंड ठीक है और यहाँ से टू फिफ्टी का फोर्टी फाइव कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो इस तरीके से हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा सेवेंटी सेवन थाउजेंड और यहाँ पे वन लैख थर्टी थ्री सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है लेस प्रेफरेंस डिविडेंट एट द रेट इलेवन परसेंट प्रेफरेंस डिविडेंट की रेट भी हम इलेवन परसेंट एज्यूम करके चल रहे हैं तो अब यहाँ पे तो कोई डिविडेंट है नहीं यहाँ डिविडेंट की पेमेंट करेंगे तो अब देखिए जो फर्स्ट अल्टरनेट था वहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो अर्निंग अवेलेबल है वो सेवेंटी सेवन थाउजेंट है बट जो सेकंड अल्टरनेट था उसमें ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो हमने दोनों को कंपेयर किया अर्निंग किस में ज़्यादा है फर्स्ट वाले अल्टरनेट में और फर्स्ट वाले अल्टरनेट में फाइनेंस का कौन सा सोर्स यूज किया है डेट्स यूज किया है ना जबकि सेकेंड में कौन सा यूज किया है प्रेफरेंस शेयर यूज किया है तो ये बात क्लियर कि जब डेट्स और इक्विटी दोनों को कंपेयर कर रहे हों तो जो डेट्स है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग को इनक्रीज़ करेगा नेक्स्ट है रिटेन्ड कंट्रोल एक कंपनी का जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है वो कंपनी पर अपने कंट्रोल को लॉस नहीं करना चाहता तो ऐसे में ऐसे में ये कंपनी अपने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इक्विटी शेयर इश्यू नहीं करेगी क्यों नहीं करेगी उसका रीज़न देखिए क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग का राइट right होता है ठीक है दूसरा कंपनी की मीटिंग में डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट का राइट right होता है इनके पास तो इसलिए कंपनी जिसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या फंड की रिक्वायरमेंट है वो अपने फंड को न्यू इक्विटी शेयर के थ्रू रेज नहीं करेगी अगर वो न्यू इक्विटी शेयर के थ्रू रेज करती है तो इससे जो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और इससे द रिस्क ऑफ डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन क्रिएट होगी यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका कंट्रोल कम हो जाएगा तो जो कंपनी लॉस ऑफ कंट्रोल के रिस्क को अवॉइड करना चाहती है ठीक है वो इक्विटी शेयर के बजाय या तो प्रेफ्रेंस शेयर इशू करेगी या फिर डिबेंचर इशू करेगी क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर इन दोनों के पास ना तो वोटिंग का राइट होता और ना ही कंपनी की मीटिंग में डायरेक्टर्स इलेक्ट करने का राइट होता हाउ एवर शुड बी रिमेंबर्ड बट ये भी रिमेंबर रखना चाहिए कि इफ द कंपनी बोरो मोर देन इट्स इंटरेस्ट एंड कैपेसिटी अगर एक कंपनी अपनी कैपेसिटी से मोर देन लॉन्ग टर्म डेट्स यूज करती है मेरी बात क्लियर अगर एक कंपनी अपनी रिपेइंग कैपेसिटी से मतलब इंटरेस्ट और डेप्ट को पे करने की जो उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से मोर देन लॉन्ग टर्म लोन यूज कर रही है तो ऐसे में जो डिबेंचर होल्डर है जो लैंडर है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिनसे लोन लिया है वो कंपनी की एसेट्स को सीज कर सकते हैं और कंपनी के एसेट्स को सीज करने का मतलब ओवरऑल कंट्रोल अब जो न्यू इक्विटी जो न्यू डिबेंचर होल्डर हैं उनके हाथ में चला जाएगा तो इससे बेटर तो क्या रहेगा कि इक्विटी शेयर इशू कर ले क्योंकि उसमें तो कुछ ही कंट्रोल जाएगा जबकि अगर ज़्यादा डिवेंचर यूज करेंगे तो इससे तो क्या है ओवरऑल कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा हाँ जी नेक्स्ट है वन मिनट भाई नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स एक फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए फ्लेक्सिबल का मतलब जब भी एक फर्म को ठीक है जब भी एक फर्म को अपने फंड में चेंज की नीड हो तो उसके अकॉर्डिंग वो सोर्स ऑफ फंड को चेंज कर पाए ठीक है और वो भी दोनों डायरेक्शन में दोनों डायरेक्शन का मतलब वो फंड को इंक्रीज भी कर पाए और डिक्रीज भी कर पाए इट्स शुड बी कैपेबल ऑफ रेजिंग एडिशनल फंड्स विदाउट अनड्यू डिले एंड कोस्ट यानी कि एक फर्म कैपेबल होनी चाहिए जब भी उसे एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट हो तो वो विदाउट डिले और लेस कोस्ट पे वो एडिशनल फंड रेज करने में कैपेबल हो ऐसे ही जब उसे फाइनेंस की नीड ना हो ठीक है तो वो फंड को रिड्यूस कर पाए डिक्रीज कर पाए यानी कि इसके लिए प्रेफरेंस कैपिटल और डिबेंचर्स को वो ईजिली रिडीम करके अपने फ़ंड को डिक्रीज़ करने में भी कैपेबल होनी चाहिए हाँ जी अभी अभी हमने क्या स्टडी किया फ्लेक्सिबल का मतलब कि जो फ़ंड है उसको इंक्रीज़ कर पाए उसको डिक्रीज़ कर पाए जैसे भी नीड हो अगर एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है तो इंक्रीज करने में कैपेबल होनी चाहिए और अगर लेस फंड की रिक्वायरमेंट है तो रिडीम करके डिक्रीज़ करने में कैपेबल होनी चाहिए इसके साथ साथ एक फर्म वन सोर्सेज को अदर सोर्सेज में ट्रांसफ़र करने में भी एबल होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ द फंड आर अवेलेबल एट फोर्टीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रजेंटली ठीक है एक फर्म के पास प्रजेंट में जो फंड है यानी कि डेट्स उसकी इंटरेस्ट की रेट फोर्टीन परसेंट पर एन एम है एंड द कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डेट एट रिवर्स बता दिया इफ़ द फंडस आर अवेलेबल एट फोर्टीन परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रजेंटली यानी कि प्रजेंट में फ़ंड का जो डेट्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म फंड अवेलेबल हैं उन पर फोटीन परसेंट की रेट है बट कंपनी ने ऑलरेडी जो डेट्स या डिबेंचर यूज किए हुए हैं उनकी रेट एटीन परसेंट इंटरेस्ट की रेट कितनी थी एटीन परसेंट तो ऐसे में जो कंपनी है वो अपने ओल्ड डैट्स को न्यू डेट्स के थ्रू रिप्लेस कर सकती है और ऐसे रिप्लेस करेगी तो उसको कितने का बेनिफिट होगा फोर परसेंट का बेनिफिट होगा ना भाई पहले जो एटीन परसेंट पे कर रही थी अब कितने पे करने होंगे फोर्टीन परसेंट तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्लियर भी अगर कैपिटल स्ट्रक्चर फ्ले, फ्लेक्सिबल होगा तो ऐसी अपॉर्चुनिटी का कंपनी बेनिफिट ले सकती है